हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौफिक और आप देख रहे हैं टेक्निकल तौफिक चैनल। चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायनामिक वॉलपेपर एप्लीकेशन के बारे में। जो दोस्तों एप्लीकेशन होता है यार, किस प्रकार से आपको मोबाइल में काम करेगा, इसी के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो कभी भी अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन का बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है। जो दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं डायनामिक वॉलपेपर। जो दोस्तों डायनामिक वॉलपेपर जो होते हैं, अगर आपको पता होगा या फिर अगर आपको नहीं पता है, तो बहुत ही अमेजिंग वॉलपेपर होते हैं। एकदम HD और 4K इमेज में यहाँ पर आपको डायनामिक वॉलपेपर मिल जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि डायनामिक वॉलपेपर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज वेन बैटरी स्टेट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, इज लो हेल्थ फॉर चार्जिंग। तो दोस्तों आपके मोबाइल की जो बैटरी चार्जिंग जो हेल्थ होती है उसको बिल्कुल ये बचाता है। दोस्तों फीचर्स की बात कर लेते हैं तो ब्यूटीफुल वॉलपेपर मिल जाते हैं फॉर योर फेवरेट डेवलपमेंट में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ब्यूटीफुल एंड ईजी इंटरफेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। दोस्तों लो बैटरी कंसोल्टेशन यहाँ पर आपको मिल जाता है। लाइट एंड डार्क मोड थीम्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो तो फ्री एंड फ्री फॉर एवर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं बहुत सारे। यहाँ पर आपको HD एंड 4K में यहाँ 4K इमेज में यहाँ पर आपको डायनामिक वॉलपेपर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो किस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन को यूज करोगे, तो दोस्तों वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना, जब भी आप जान पाओगे इस एप्लीकेशन को आप कैसे यूज करोगे। तो सबसे पहले इसे हम यहाँ से आपको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ यहाँ पर आपको सिलेक्ट वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज डायनामिक्स वॉलपेपर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। नीचे की तरफ भी ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई वॉलपेपर ऑन, और बैटरी सेटिंग्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। पूरी सेटिंग्स में यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिलेक्ट वॉलपेपर ऑप्शन के बारे में। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स के अलग अलग कैटेगरी मिल जाती है डेवलपमेंट स्टाइल में। यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर आपको वॉलपेपर की कैटेगरी मिल जाती है। नीचे की तरफ मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ तो पूरी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको मिल जाती है। जैसे कि चार्जिंग में मिल जाती है, एंड्रॉइड में मिल जाती है, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 2, यहाँ पर पिकाशू यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आइकॉनिक देख सकते हो, यहाँ पर आप दे आइज यहाँ पर आप देख सकते हो, इमोजी स्टाइल में भी यहाँ पर आप देख सकते हो। नीचे की तरफ मैं जितनी भी स्क्रॉल कर लेता हूँ में यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आपको बैटमैन मिल जाती है, कलर वास यहाँ पर आपको कितने सारे बढ़िया बढ़िया अमेजिंग यहाँ पर आपको वॉलपेपर मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको सर्चिंग का भी ऑप्शन दिया। यहाँ पर अगर आपको कोई वॉलपेपर को सर्च करना चाहते हो तो सर्च भी कर सकते हो प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके। यहाँ पर आप अभी कमिंग सुन बहुत सारे वॉलपेपर अभी आने वाले, मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। दोस्तों बैक आने के बाद दोस्तों यूज डायनामिक वॉलपेपर वाले ऑप्शन को यहाँ पर आपको ऑन कर लेना है, जब भी आप इसे यूज कर सकते हो। यूज करने के बाद दोस्तों अप्लाई वॉलपेपर ऑन वाले इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। होम स्क्रीन पर अगर लगाना चाहते हो तो होम पर लगा सकते हो, लॉक स्क्रीन पर लगा सकते हो, या फिर बोथ यानी कि दोनों पर लगा सकते हो। दोस्तों दोनों लॉक और होम दोनों स्क्रीन पर यहां पर आप अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। नीचे बैक आ जाता हो, बैटरी सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हो तो यहां से आप अपनी बैटरी हेल्थ को भी बढ़ा सकते हो। दोस्तों यहां पर पावर सेविंग मोड का यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, सुपर पावर सेविंग मोड भी मिल जाता है। दोस्तों नीचे की तरफ यहां पर आपको डार्क मोड, आउटो स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, और सेव पावर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से आप सेव पावर भी कर सकते हो। बहुत सारी यहां पर आपको जानकारी मिल जाती है। यहां पर मैं दोस्तों एक वॉलपेपर यहां पर आपको सेट करके बता देता हूं, जैसे कि मैं वॉलपेपर वाले ऑप्शन इस पर मैं क्लिक कर लेता हूं। तो दोस्तों अगर आपको वॉलपेपर सेट करना तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी चूज कर लेनी, जो भी आप वॉलपेपर को सेट करना चाहते हैं यहाँ पर आप आपको कैटेगरी चूज कर लेने से कि मैं एक यहाँ पर पिकाशू वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। और दोस्तों यूज डायनामिक वॉलपेपर इस पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, जैसे आप क्लिक करते हो आपका वॉलपेपर सेट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा वॉलपेपर यहाँ पर सेट हो चुका है। मैं दूसरा वॉलपेपर यहाँ पर आपको सेट करके बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं इमोजी वाले व्हाट्सअप पे इमोजी वाले पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा इमोजी वाला वॉलपेपर यहाँ पर सेट हो चुका है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कितनी ईजी तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से आप इस एप्लीकेशन का यूज करके एकदम बढ़िया 4K और सिंपल और HD इमेज वाले वॉलपेपर यहाँ पर आप अपने मोबाइल पे सेट कर सकते हो। दोस्तों बैटरी हेल्थ भी बढ़ा सकते हो, कोई भी दोस्तों लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन पर यहाँ पर आप लगा सकते हो। पूरी A to Z जानकारी दोस्तों मैंने आपको दे दी इस एप्लीकेशन को, आप एक बार जरूर ट्राई करना दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब।